ये सम एम वन मास का पार्टिकल है. अब हमने एक से ज्यादा पार्टिकल लेना शुरू कर दिया था. इससे पहले हम लोगों ने एक ही पार्टिकल लिया था और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था. ठीक है, अब हम दो पार्टिकल लेते हैं एम वन और एम टू मास के, और एक पॉइंट पी है जहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे. पी पॉइंट पे किसी भी मास का होना जरूरी नहीं है, है ना, मास इज नॉट नेसेसरी. तो पी पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे. जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पे कोई मास रखा होने की जरूरत नहीं है. हाँ, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकल आने के बाद अगर कोई भी मास रखोगे तो उस पर फोर्स निकाल सकते हो. सो यहाँ पे किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं है. सो एम वन पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर है आर वन. पोजिशन वैक्टर में वैक्टर जरूर लगाना, बहुत सारे बच्चे वैक्टर नहीं लगाते. दिस इज आर वन पोजिशन वैक्टर, और ये ओरिजिन है, और साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज प्लस जेड एक्सिस. तुम्हारी तरफ प्लस जेड है और पीछे की तरफ माइनस जेड है. तो ये प्लस एक्स, प्लस वाई और प्लस जेड हमने दिखाए, इसके अपोजिट माइनस हो. तो ये एम वन मास का पोजिशन वैक्टर है, ठीक है, आर वन. सिमिलरली एम टू मास का पोजिशन वैक्टर है, ठीक है, आर टू. ऑब्वियसली एम वन मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर होगा, इस व्हाइट वाले पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. तो एम वन मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा टूवर्ड्स द, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इधर हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मास की तरफ होता है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डायरेक्शन होती है, तो ये इलेक्ट्रिक, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आगे समझाऊंगा तो और मजा आने वाली है तुम्हें. तो ये ईवन, ये ईवन वेक्टर है, यानी ईवन क्या है, एम वन मास का ग्रेविटेशनल फील्ड. सिमिलरली एम टू मास का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो, एम टू मास का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है. ये एम टू मास का ग्रेविटेशनल फील्ड, एम टू मास का ग्रेविटेशनल फील्ड है E2, ठीक है. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, और एज यूजुअल मैं इसको लिखाने वाला नहीं, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से लिख लेना, मैं तुम्हें समझा देता हूं, बाकी अपनी मर्जी से लिखना. और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ईजी है, और कभी कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये कोई नहीं पूछेगा, मगर ये बहुत जनरल कंसेप्ट है. तो इसको समझने की कोशिश करो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है. ये सिर्फ इतना कहता है कि जब M1 मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड E1 होगा, M2 मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड E2 होगा. E1 और E2 की वैल्यू एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे. सपोज करो जैसे M1 मास था, अकेला M1 मास था, तब ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में था, और इसकी वैल्यू कुछ सपोज करो 10 न्यूटन पर कूलाम थी. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है, फोर्स अपॉन मास, न्यूटन पर किलोग्राम. ये बार बार इसमें मैं चार्ज में घुस जाऊंगा क्योंकि एक जैसा होता है, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम. तो सपोज करो खाली अकेला एम वन है तो ई वन की वैल्यू इस, ई वन की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम है. अब दूसरा मास आ गया, है ना, दूसरा मास अगर यहां पे आ गया, पहले M2 नहीं था, अब M2 को रख दिया मैंने, तो M2 की प्रेजेंस E1 की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगी. M2 की प्रेजेंस E1 की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगी. तुम ये बोलोगे कि ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें तो नहीं होना चाहिए, बहुत नेचुरल लगता है, इंट्यूशनली ऐसा लगता है कि ऐसा तो इफेक्ट करना नहीं चाहिए, ये तो ये बोल क्यों रहे हैं, मगर ये नेचुरल चीज नहीं है, ठीक है. तुम अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई एक बच्चा किसी कमरे में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तुम अकेले बैठे किसी कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा अगर दोस्त आ गया तो तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, तुम कुछ और करने लगोगे, उससे बातें करने लगोगे. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि अगर तुम कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त आ गया, तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तुमने उसको निग्लेक्ट कर दिया कि तुम हो नहीं हो तुमसे मतलब नहीं है, तुम किसी कोने में तुम भी बैठ के पढ़ने लगो, मुझे तुमसे मतलब नहीं. ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, ठीक है, तो मगर ये मासेज ऐसा करते हैं. ये जो M1 है वो M2 को इग्नोर कर देता है, M2 रहेगा या नहीं रहेगा, E1 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि M2 के आने से E1 की वैल्यू कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। बस इतनी सी बात को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी E1 एंड E2 विल नॉट अफेक्ट ईच अदर, ग्रेविटेशनल फील्ड बाय टू मासेस विल नॉट अफेक्ट ईच अदर। तो इतना लिखना हो तो लिख लेना, लिखा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुम अपने वर्ड में लिख लेना, क्योंकि ये तुमसे कभी कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, और ये कई जगह ये बात रिपीट होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें भी लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन साउंड में भी लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लगेगा ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो यहाँ पे लगेगा वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। तो बस आप वेक्टर की बात कर लें, अगर पी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर पी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इनका वेक्टर सम कर देंगे, है ना, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इज इक्वल टू E1 प्लस E2, बस ये सिंपल सी बात है। ये तो मैंने दो के लिए समझाया, इसी तरह से तीन हो, चार हो, सबके लिए कर सकते हो, है ना, एन हो, एन के लिए कर सकते हो ऐसे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेक्टर का पूरा गेम है, वेक्टर का यूज होगा, दो वेक्टर का सम कर सकते हो, तीन वेक्टर का सम कर सकते हो, चार वेक्टर का, जितने मास के पार्टिकल होंगे, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और है, इसको दिखने में मैथमेटिकली हम कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं थोड़ा सा, थोड़े से और वेक्टर के रूल लगा सकते हैं, मगर बेसिकली वो डिफिकल्ट नहीं है। सपोज करो पी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, पी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर है, तो ये आर वन हो गया, ये आर हो गया, और इस वेक्टर को ई वन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हम ले लेते हैं, इस तरफ एक वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, ये वेक्टर मान लो R1 है, R1 है, डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन इधर है, ये मैंने एरो अजीब सा बना रखा है, जस्ट रब इट एंड मेक इट इन प्रॉपर वे, सो ये एरो इस तरफ है, आई होप यू गॉट इट, ये R1 है। सिमिलरली जो ये ग्रीन वाला है ये R2 है, R2 है, और R1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, सपोज करो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लो R1 है, ये डैश का ध्यान रखना, कौन सा डैश है कौन सा डैश नहीं है, ये R2 है, ठीक है। तो इसको E1 को तुम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, E1 को क्या लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू, ये तो कल ही हमने डिस्कस किया, वेक्टर E1, वेक्टर E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा G m1 अपॉन R1 का स्क्वायर, इसको रटने वटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल करोगे तो पूरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, और E1 की डायरेक्शन R1 की डायरेक्शन में है, तो ये R1 और कैप कर सकते हो, R1 कैप कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर तरीके से। इसको थोड़ा सा और वेक्टर के, इसमें वेक्टर का ज्ञान तुम्हें लगाना पड़ेगा, समझ आई बात, तो वेक्टर का जो ज्ञान है, वेक्टर का बेसिक ज्ञान, वेक्टर का बहुत बड़ा हाईफाई ज्ञान नहीं, अभी वेक्टर तुम्हारा मैथमेटिक्स में भी आएगा, उसमें वेक्टर बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, तो मैथ्स वाला ही वेक्टर पढ़ लो, मैथ्स वाले वेक्टर के तो पहले चैप्टर में सब ये खत्म हो जाएगा, खान एकेडमी से ही, तब तक अगर क्लास में नहीं चल रहा तो खान एकेडमी से पढ़ लो, ठीक है, अभी कहाँ आएगा मैथ्स में, 12th का लास्ट चैप्टर है, तभी तो मैंने खान एकेडमी से बोला, तो खान एकेडमी से तुम कभी भी पढ़ सकते हो ना, चाहे लास्ट चैप्टर हो चाहे कुछ भी चैप्टर हो, जरूरी थोड़ी ना कि हम जिस सिक्वेंस में उसमें पढ़े, वो सिक्वेंस तो बेवकूफ़ी के लिए दिया हुआ है, उसको शुरू में देना चाहिए, सिक्वेंस तो बेकार है, NCERT का सिक्वेंस बेकार है एकदम, है ना। नाउ R1 तो वो वाला वेक्टर, उसके बेसिक पहला लेसन कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, खैर मगर उतना भी वेक्टर यूज नहीं होगा, वेक्टर का फिजिक्स में बस बेसिक कंसेप्ट, उसका मीनिंग यूज होता है, हम लोग ज्यादा बहुत वेक्टर के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं करते, बस हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, जैसे तुमने देखा फिजिक्स में जो यूज है वो हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, लॉग का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, लॉग के कॉम्प्लिकेटेड सवालों से मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पर वही ट्राइंगल लॉ तुमने याद होगा, इसको 50 बार यूज किया मैंने, है ना, वेक्टर R + R1,
यहां से हम लिखे वेक्टर आर प्लस आर वन डैश, तो दिस इज वेक्टर आर, वेक्टर आर गलत तो वहां भी यही बताया था उतना भी, तो इसमें आर वन डैश को हम लिख सकते हैं, आर वन डैश को लिख सकते हैं, कौन आ गया अटेंडेंस लगाने के लिए, सिर्फ कुछ बच्चे लेट आते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए लेट आते हैं, चलो आखिरी में यहाँ भी सिस्टम, आर वन की वैल्यू, आर वन डैश की वैल्यू फिर किसके बराबर हो जाएगी, आर वन माइनस आर, है ना, आर वन माइनस आर, आई थिंक समझ में आओगे, आर प्लस आर वन डैश इज इक्वल टू आर वन, तो आर वन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन माइनस आर, आर वन माइनस आर, ठीक है, तो ये है। इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे ही लिख दो आर वन डैश लिख दो, और अगर गलती से तुमने वेक्टर का सिंबल लगा दिया है तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मॉड ऑफ, तो ये बेसिकली इधर भी ऐसे लिखोगे मॉड ऑफ नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है, फिर हम वाइट वाले पे फिर से आ जाए, वाइट तो यहां पे ये रख दे, जो क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा कोई भी तुम डायरेक्ट चीज नहीं यूज, पूरा प्रोसेस यूज करोगे, ठीक है, आर वन डैश का स्क्वायर हो गया, खाली समझना है, ठीक है, आर वन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन वेक्टर आर वन, खाली बेसिक तुम्हें याद रहना चाहिए, वेक्टर आर वन डैश अपॉन आर वन, ठीक है, वेक्टर आर वन डैश, याद रखना ये डैश है, ठीक है, इसको फिर फर्दर लिख लेते, दैट इज जी एम वन, दैट इज जी एम वन अपॉन आर वन डैश का क्यूब, ठीक है, आर वन डैश का क्यूब हो जाएगा, ये खाली दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, और इसको कुछ भी रटना नहीं, ध्यान रखना बस प्रोसेस देख लो कैसे आ रहा है, बस आर वन डैश का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मॉड ऑफ आर वन माइनस आर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे फाइनली, ठीक है, जी एम वन माइनस आर, ठीक है, का क्यूब, और आर वन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन माइनस आर, ठीक है, तो ये कोई भी चीज तुम्हें यहां पे मॉड नहीं लगाना, यहां पे तो पूरा आर वन माइनस आर, तो ये कैसे एलर्टी में लिख सकते हो, ई टू की वैल्यू क्या लिख सकते हो, E2 की वैल्यू जस्ट इसको देख के एक्सप्रेशन को निकालोगे, निकालना तो वैसे ही निकाल लोगे, और जब न्यूमेरिकल करना पड़ेगा तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो डायरेक्टली खैर, तो ये आ जाएगा जी एम टू, जी एम टू अपॉन आर टू वैक्टर माइनस आर, एकदम देख देख के लिख दो, कुछ नहीं करना है इसमें, बस R1 की जगह R2 कर देना, ठीक है, और ये हो जाएगा R2 माइनस R, ये वेक्टर का निशान है, तो एरो प्रॉपरली लगाना, ठीक है, फिर इसका बस जो भी निकला है वो आई क्या रहेगा, और इस पे डायरेक्ट ऐसे वेक्टर वाले पे कम न्यूमेरिकल होंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद तुम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर कोई भी मास रख दोगे, मान लो स्मॉल एम मास रख देते हो, तो उस स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल आएगा, तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करके ऐड कर लो, या बहुत सारे तरीके ऐड करने के, तो वैक्टर के बेसिक कंसेप्ट यहां पर लगेंगे, तो अब तुम्हें छोटे छोटे न्यूमेरिकल से मैं वैक्टर के बेसिक